लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे सारे के सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स, अब क्वालिटेटिव मेजर्स। ध्यान से देखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है, बट थियोरेटिकली इट कम्स अंडर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इनको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। किस चीज के? टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट, टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट इन द इकोनॉमी, क्वालिटेटिव मेजर्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ध्यान से देखना अनुष्का, आपने बिजनेस करना था, आप बैंक के पास गए लोन लेने, तो क्या बैंक आपको लोन दे देगा? नो सर। अरे ऐसे क्यों बेटा, इतना भरोसा, कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना, तो क्या नहीं दोगे? यस सर, देंगे ना, सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो आपको दे देगा। अनसिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं, बट लेट अस अज्यूम कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही आपको लोन्स मिल रहे हैं। आपको चाहिए 1 करोड़ का लोन, बिजनेस करना है आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कोलैटरल बोलते हैं उसको, कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, आपने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स मॉर्गेज कर दिए बिजनेस लोन लेने के लिए। उन्होंने बोला कि हम अगर आपकी प्रॉपर्टी, लेट अस अज्यूम वैल्यूएशन हुई और उसकी वैल्यू आई 1 करोड़ रुपए, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो हम उस पे आपको 60% ही लोन देंगे, इसका मतलब 40% हमारा मार्जिन है। ऐसा नहीं कि हम अपने पास पैसे रख रहे हैं, नो, वो सेफ्टी कवर है बैंक का कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या 1 करोड़ का लोन दे देंगे? नो सर, नहीं देंगे, वो अपना मार्जिन रख के चलते हैं कि कल को अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई तो वो अपना लोन तो कवर कर पाए। तो लेट अस अज्यूम उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी 40%, तो आपको कितना लोन मिलेगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे? 60% मिलेगा उसका, 60 लाख, 60% मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% रखी होती तो 80% मिल जाता, 80 लाख मिल जाता। तो मार्जिन जितना ज्यादा होगा आपको लोन उतना कम मिलेगा? यस सर, मार्जिन जितना कम होगा लोन आपको उतना ज्यादा मिलेगा, मार्जिन जितना ज्यादा लोन उतना कम। तो ध्यान से देखना आरबीआई और द सेंट्रल बैंक इसको कैसे यूज करता है। तो यस, इट कैन डेफिनेटली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस। अगर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे तो विल यू बी मोटिवेटेड टू बोरो मोर और डीमोटिवेटेड, डिस्करेज्ड? डिस्करेज्ड, डिस्करेज, कह रहे यार 1 करोड़, अगर 40% मार्जिन है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगेंस्ट मुझे लोन 60 लाख मिल रहे हैं और प्रॉपर्टी मेरी ब्लॉक हो जाएगी, वो आप आगे सेल नहीं कर सकते, कह रहे हैं फिर फायदा नहीं है, सच है तो मैं सेल करता हूँ, 1 करोड़ आ जाएंगे, बिजनेस करेंगे, नया घर बना लेंगे बड़ा वाला। जितना ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा उतना डिस्करेज हो गया आप लोन लेने के लिए। तो एक तो वो डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट तो अफेक्ट करता ही है, बट ये ज्यादा यूज कहाँ होता है? वो कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन बोरो कर रहे हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है। प्रायोरिटी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, कुछ जिन सेक्टर्स को वो प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो वहां पे वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं, और जिस चीज के लिए वो डिस्करेज करना चाहती है वहां पे वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। तो क्या ये फ्लो ऑफ क्रेडिट या डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कर पा रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट? यस सर, इट कैन कंट्रोल द डायरेक्शन कि किस पर्पस के लिए लोन ज्यादा लिए जाएंगे, जिसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आप कम रखोगे, किस पर्पस के लिए लोन्स कम लिए जाएंगे, जिस चीज के आप मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा कर दोगे। तो ध्यान से देखना बेटा, पहली बात तो मार्जिन का मीनिंग क्या है, क्या बताया आपको फॉर्मूला, मार्जिन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस लोन ग्रांटेड। इसमें किसी को कोई डाउट? मीनिंग ऑफ मार्जिन तो क्लियर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड आपकी थी 1 करोड़ और लोन ग्रांटेड 60 लाख, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई 40 लाख और 40%। इफ द मार्जिन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज 40%, देन कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू गिव लोन ओनली अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी।
by changing the margin requirements, the RBI can alter the amount of loans made against the securities by the banks. An increase in margin reduces the borrowing capacity and money supply. A fall in the margin encourages the people to borrow more. Margin requirement bada denge, log kam loans borrow karenge. Margin requirement kam kar denge, log zyada borrow karna chahenge. RBI may prescribe different margins for different type of borrowers against the security of the same commodity. Same property koi aur leke aa raha hai, but uska purpose of loan alag hai. To keh rahe hai ki unki margin alag ho sakte hain. Margin is necessary because if a bank gives loan equal to the full value of security, the bank will suffer a loss in case of fall in the price of security. So, ek to wo apne aap ko safeguard karne ke liye kar rahe hain, aur dusra ye kahan use hota hai? To control the direction of credit, to promote a certain priority sector. So, jaise abhi health ko wo promote karna chahte hain, hotels ko wo बेल आउट पैकेज की तरह हेल्प करना चाहते हैं होटल और टूरिज्म को, तो वो उनको चीप लोन्स ऑफर कर रहे हैं काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्पेशल स्कीम्स के साथ हेल्प करने के लिए. हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ के अभी मतलब कभी भी थर्ड वेव आ सकती है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको लोन्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से टूरिज्म और होटल अफेक्टेड है, तो उनको भी, तो ये चीजें मेजर्स ऐसे यूज किए जाते हैं. क्वालिटेटिव मेजर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट नंबर वन. नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेजर में ही मॉरल सुएजन बड़े ही प्यार से समझाते हैं. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को मॉरल सुएजन, मिक्स ऑफ प्रेशर एंड प्यार. सुएजन, दे आर ट्राइंग टू परसुएड हु, द सेंट्रल बैंक और द आरबीआई, दे आर ट्राइंग टू परसुएड द कमर्शियल बैंक्स टू लेंड और नॉट टू लेंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अभी जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या बोलते होंगे कि यार बांटो जितना बांट सकते हो या रोक लो? सर जितना ज्यादा लोन दे सकते हो. तो ये मॉरल सिचुएशन कि वो सर्कुलर्स निकाल रहे हैं, रिलीफ पैकेज अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मर्जी कमर्शियल बैंक्स के है वो लोन देंगे कि नहीं देंगे. आरबीआई फोर्स नहीं कर सकता, वो अनाउंसमेंट्स, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इकॉनमी बच नहीं पाएगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा. तो मिक्स, कभी कभी आरबीआई खुद अपनी तरफ से पैकेजेस दे देता है जहां गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, कुछ ऐसे स्कीम्स भी निकली हैं, बट अदरवाइज वो बस लेटर्स और सर्कुलर्स के थ्रू उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनको कैसे इस सिचुएशन को डील करना चाहिए. यही अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होती तो वो उनको डिस्करेज करते हैं कि लोन्स मत बांटो. मॉरल सुएशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सुएशन एंड प्रेशर that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy. Moral suasion is exercised through discussions, letters, speeches, and hints to the banks. The Reserve Bank frequently announces its policy position and urges the banks to cooperate in implementing its credit policies. Moral suasion can be used both quantitative as well as qualitative control. It can be used for both quantitative as well as qualitative credit control. But normally it helps in qualitative aspect. Ki yaar abhi is purpose ke liye zyada loan de do, us purpose ke liye abhi kam loan de do. But it can affect the quantity as well as the direction of credit. Generally, central bank succeeds in convincing the banks as it acts as their lender of last resort. Kare, matlab central bank unko samjhane ki koshish karta hai ki aisa karo, waisa karo. Normally, wo maan jate hain. Bilkul ekdam parents aur bachcho wali relation hai. Parents, papa, mummy, pehle wo hame pyar se samjhane ki koshish karenge, fir wo pressure apply karne ki koshish karenge. बट इनवेरिएबली हम उनकी बात मान ही लेते हैं. यस और नो? यस, बिकॉज दे एक्ट एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो कौन बचाएगा कमर्शियल बैंक्स को?
सेंट्रल बैंक, कौन बचाएगा आपको? आपके पेरेंट्स। तो जनरली पेरेंट्स और द सेंट्रल बैंक सक्सीड्स इन कन्विंसिंग द कमर्शियल बैंक्स एज इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। हाउएवर नो प्यूनिटिव एक्शन इज टेकन इन केस दे डू नॉट फॉलो द एडवाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रियल लाइफ में, पेनल्टी हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है इंसानों को, तो आप प्लीज उनकी बात माने। बट सेंट्रल बैंक फोर्स, तो ये इस लाइन का मतलब क्या था कि सेंट्रल बैंक फोर्स नहीं कर सकता कमर्शियल बैंक्स को कोई भी पर्टिकुलर लोन्स देने के लिए या ना देने के लिए। वो समझा सकता है थ्रू लेटर्स, स्पीचेस, हिंट्स टू द बैंक्स और डिस्कशंस। पॉइंट क्लियर? यस सर। क्वालिटेटिव मेजर्स में लास्ट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्वालिटेटिव, मॉरल सुएजन क्वालिटेटिव, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स ऑल्सो नोन एज क्रेडिट रैशनिंग। इसका दूसरा टर्म क्या है? क्रेडिट रैशनिंग। कोटा रिस्ट्रिक्शन सेट कर देते हैं बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक, कि आपको अपने पोर्टफोलियो का जितने भी आप लोन्स बांट रहे हो उसका 20% होम लोन्स देने पड़ेंगे, उसका 20% एजुकेशन लोन्स देने पड़ेंगे, उसका 40% बिजनेस लोन्स देने पड़ेंगे। तो हर सेक्टर को बैलेंस ग्रोथ दिखाने के लिए जिस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐसे कोटाज सेट कर देते हैं ताकि बैंक अपना एक लिमिट से ज्यादा उस चीज पे पैसे ना लगाए, बैलेंस ग्रोथ हो इकोनॉमी की। अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स RBI gives directions to other banks to give or not to give credit for certain purposes or to particular sectors. तो अभी जो हो रहा है वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कि हेल्थ सेक्टर को दो, होटेल्स को दो, टूरिज्म को दो, ऑल्दो वो प्रॉब्लम में है तो उनको बचाना चाहते हैं तभी तो कह रहे हैं उनको दो अभी प्लीज अपने प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है उसको कोई लोन देना चाहेगा? डर लगेगा ना कि भैया रीपे कैसे करोगे हम, मतलब कमर्शियल बैंक्स आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। बट तो वही आरबीआई उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब अभी दिक्कत है, थोड़ा हम गारंटी लेंगे, थोड़ा आप रिस्क लो, बट इनको लोन्स दो। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर। इनको लोन्स दो तो पॉजिटिव मैनर, इनको मत दो तो नेगेटिव मैनर। इन पॉजिटिव मैनर इट मीन्स यूजिंग मेजर्स to channelize credit to priority sectors. The priority sector includes small scale industries, agriculture, exports, etc. In the negative manner, it means using measures to restrict the flow of credit to particular sectors. So, jaise jo evil goods hote hain, alcohol, cigarettes, to kare nahi, in sectors ko loans mat do. To ho gaya, they are trying to use their control in a negative manner, कि RBI उनको समझाने की कोशिश कर रही है मत दो इनको loans. Qualitative characteristics, qualitative instruments of monetary policy, क्या क्या? Margin requirement, moral suasion और selective credit controls.